से पास हुआ कि सेंटर के माध्यम से पंचायत में काम है। आप मुखिया सिंह के बात में देखिए क्या लगता है। गलत हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री के ही गलत डिसीजन है। हम लोग के जनता से जुड़े आदमी मुखिया होता है, हम मुखिया का काम टेंडर प्रक्रिया से होगा तो हम जनता से लगा अलगाव पैदा होगा। निपटा वाला तो कोई ठिकाना नहीं रहता, आज जहाँ तक जो निपटा है कोई समय से पूरा नहीं करता है, कुछ बहाना बना के कुछ अथी करके पेंडिंग छोड़ देता है। बहुत मुखिया के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग इसके लिए आंदोलन पर विरोध इसको विरोध करते हैं हम लोग। तो सरकार नहीं, सरकार सरकार जो कहती है वो थोड़ी सही बात है, यहाँ तो धरती पर दूसरा बात है। सरकार के यहाँ नीति यहाँ अति फेलुअर साबित हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतें से मुखिया से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, अब मुखिया को अलग हट कर ऐसा तो कोई अति प्रावधान नहीं है पंचायती राज व्यवस्था में। इस सरासर मुखिया के साथ अन्याय हुआ है, हम लोग इस पर आगे बात कर सो आगे हम लोग बात कर कर आगे इस पर हम कार्रवाई करेंगे जो उचित होगा विधि सम्मत। हाँ हो सकता है कुछ कर सकते हैं, हम लोग आपस में अथी करके कुछ भी कर सकते हैं आगे। सिद्धियाल सिंह नागाजी मुखिया संघ अध्यक्ष बाहर। क्या लगता है पंचायती राज व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, चिरहन हो चुका है, कुछ बचा नहीं पंचायत में। अब मुखिया क्या करेगा, अब तो सरकारें बताएगा, कोई काम ही नहीं बचा। फिर सब हम लोग चाय पियेंगे बुलबुल के, अब कोई भी निमंत्रण देगा तो भोज खाएंगे, इसके सिवा तो कुछ बच भी नहीं, कोई काम नहीं, नथिंग, जीरो बटा सना। रणनीति यही है कि हम लोग कोर्ट के पहुँचेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। व्यापक पैमाने पर अनियमितता बढ़ जाएगा। हाँ, इसे क्या करके चल जाएगा पंचायत में, कोई काम भी करेगा छोड़ के चल जाएगा। हम लोग तो जाके देखते भी थे, हम लोग को कहने भी कोई नहीं जा सकता, तो आएगा करके जाएगा, कह भी नहीं सकते हैं। वो लोग कहना है कि तुम लोग को मतलब ही रखेगा। धीरज प्रताप सिंह, मुखिया प्रतिनिधि धनवा मारे पंचायत।